दोस्तों, एक तरफ जहां बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत की कोई बात मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारत की तरफ से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया जा चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जो बिजली भारत के द्वारा बांग्लादेश में भेजी जाती थी, उस बिजली को अब खुद भारत में यूज करने की परमिशन मिल गई है, और जो बांग्लादेश भारत से अकड़ने की कोशिश कर रहा है, अब इस बांग्लादेश का घमंड मिट्टी में मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश अपने लिए खुद की बिजली भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसके कारण पावर सप्लाई के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें भारत की अडानी पावर की झारखंड में मौजूद गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट द्वारा अभी तक लगभग 100% बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में की जा रही थी। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, इससे भारत की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही थी, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को खुद भारत के अलग अलग और नए नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत में भी इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा खपत होती है और इसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है, उस बिजली को अडानी पावर की झारखंड में बनाई गई गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट द्वारा किया जाता है, और इसी पावर जनरेशन प्लांट द्वारा बांग्लादेश में भेजी जा रही इलेक्ट्रिसिटी को भारत में शिफ्ट करने की परमिशन को भारत सरकार की तरफ से परमिशन दी जा चुकी है। अब आप इस मैप पर नजर डालिए, जिसमें आप भारत और बांग्लादेश को आसानी से देख पाएंगे। यहाँ भारत का झारखंड राज्य है, और झारखंड में जो रेड पॉइंट दिख रहा है, यहीं पर अडानी के द्वारा गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश काफी ज्यादा नजदीक है। इसलिए भारत के झारखंड से लेकर बांग्लादेश के ढाका शहर तक इलेक्ट्रिक वायर की प्रॉपर कनेक्टिविटी बिछाई गई है, और इसी इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टिविटी के द्वारा भारत से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई की जाती है, और बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई भारत के द्वारा इसीलिए की जाती है क्योंकि बांग्लादेश अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, और बांग्लादेश कोयला खरीद के लिए भी इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों पर डिपेंडेंट है, जहां से बांग्लादेश ज्यादातर कोयला खरीदता है। लेकिन बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने के साथ साथ कोयले की इतनी ज्यादा खपत शुरू हो गई है कि बांग्लादेश को पिछले एक साल में हर साल की तुलना में दो गुना से भी ज्यादा कोयला खरीदना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश में जितनी बिजली की जरूरत होती है, उस हिसाब से काफी कम मात्रा में ही बिजली प्रोड्यूस हो पाती है, जिसके कारण भारत के द्वारा काफी ज्यादा कैपेसिटी के साथ बिजली की सप्लाई बांग्लादेश में की जाती है। लेकिन जिस समय बांग्लादेश की पावर डिमांड बढ़ रही है, उस समय भारत की तरफ से बांग्लादेश की पावर सप्लाई को भारत में मोड़ा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ इस तरीके के कदम क्यों उठाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत को चुनौतियां दी हैं, इसलिए भारत ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश की उथल पुथल के कारण उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, और यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश इस बिजली का पेमेंट ना कर पाए, ऐसे में आगे चलकर अडानी के इस पावर प्लांट को कोई नुकसान ना हो, इसलिए बांग्लादेश में भेजी जाने वाली बिजली को भारत में उपयोग करने का कदम उठाया जा रहा है। इसे भारत में बिजली की कमी भी नहीं पड़ेगी, और यदि हम चाहें तो इस बिजली को दूसरे पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत के कुछ अन्य पावर प्लांट द्वारा नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए बिजली का एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत के इस एक्शन को देखते हुए क्या बांग्लादेश सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना जरूर सेलेक्ट करें।